नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे दरभंगा सीट की। दरभंगा से 2019 में कौन बनेगा सांसद। पान, मखाना, मछली और आतिथ्य सत्कार के लिए दुनिया भर में दरभंगा विख्यात है। दरभंगा महाराज को भारतवर्ष का सबसे बड़ा जमींदार कहा जाता है। उन्होंने जन कल्याण में कई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तिरहुट रेलवे स्टेशन, अशोक पेपर मिल आदि की स्थापना कराई। एक समय मिथिलांचल का यह क्षेत्र तंत्र साधना के लिए भी विख्यात था। यहीं से मखाना देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता था। बाबा नागार्जुन की धरती भी रहा है दरभंगा। बिहार का दरभंगा जिला मिथिला संस्कृति का केंद्र रहा है शुरू से ही। कृति आजाद पहली बार भाजपा से 1999 में सांसद बने। इसके बाद 2009 और 2014 में उन्होंने जीत हासिल की। वहीं राजद के अली अशरफ फातमी 1991 में पहली बार सांसद बने। इसके बाद 1996, 1998 और 2004 में भी उन्होंने जीत हासिल की। बागमती नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र जिला एवं प्रमंडलीय मुख्यालय है। यह क्षेत्र 16वीं सदी में दरभंगा राज्य की राजधानी थी। यह इलाका रामायण के महत्वपूर्ण घटनाओं में केंद्र में माना जाता है। यहाँ देवी सीता के पिता जनक का राज था। इस क्षेत्र में ही कुमारिल भट्ट, मंडल मिश्र, गदाधर पंडित, शंकर वाचस्पति मिश्र और विद्यापति नागार्जुन आदि महान विद्वानों ने अपना लेख स्थली बनाया इस जगह को। यह क्षेत्र आम और मखाना के उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में मिथिला शोध संस्थान, मखाना राष्ट्रीय शोध संस्थान केंद्र प्रमुख है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के बेटे, दरभंगा से मौजूदा सांसद कृति आजाद पिछले महीने कांग्रेस में शामिल हुए थे। पिछले महीने बीजेपी से कांग्रेस में आए कृति आजाद दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी महागठबंधन से उम्मीदवार है। कृति आजाद 1993 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। दरभंगा की बात करें तो ब्राह्मण और मुसलमान प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। गत लोकसभा चुनाव में भाजपा के कृति आजाद ने राजद के अली अशरफ फातमी को लगातार दूसरी बार शिकस्त दी। जेडीयू 2014 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। दरभंगा में जेडीयू प्रत्याशी संजय झा ने 1 लाख से अधिक वोट लाकर लड़ाई को तीनकोणीय बनाया, लेकिन भाजपा ने 2009 की तुलना में 75,000 ज्यादा वोट जुटाकर चुनाव में बाजी मार ली। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेसी दिग्गज स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की कर्म भूमि के रूप में दरभंगा की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। ललित बाबू दरभंगा से 2 बार सांसद बने। दरभंगा ने स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता श्याम नंदन मिश्र को भी सांसद भेजा था। दिग्गज कांग्रेसी विनोदानंद झा ने भी दरभंगा का नेतृत्व किया। कांग्रेस का यह गढ़ 1984 के चुनाव में ध्वस्त हुआ। अंतिम बार 1980 में कांग्रेस टिकट पर हरिनाथ मिश्र सांसद बने। इंदिरा गांधी के निधन के बाद कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर के बावजूद 1984 में कांग्रेस प्रत्याशी हरिनाथ मिश्र चुनाव हार गए। उन्हें ललित नारायण मिश्र के पुत्र विजय कुमार मिश्र ने लोक दल के टिकट पर शिकस्त दी। अगर बात करें यहाँ की मतदाता की तो यहाँ कुल वोटर 26,94,078 है। वहीं अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो 14,27,871 पुरुष मतदाता है। वहीं महिला मतदाता 12,66,164 है। यह सीट एक बार फिर भाजपा के हिस्से में आई है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी बदल गए हैं। भाजपा ने पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। मिथिलांचल की राजधानी कहे जाने वाली दरभंगा सीट में इस बार लड़ाई काफी रोचक बना हुआ है स्थिति यहाँ की। अब ये देखने वाली बात है कि 2019 में कौन यहाँ से फिर संसद तक पहुँचता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।